वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओएआरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम पीवाईक्यू देख रहे हैं आरओएआरओ परीक्षा की, यूपीपीएससी आयोग जो प्रश्न पूछता है। तो पिछले वर्षों के प्रश्नों को हम सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं, तो हमने कुछ सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन पढ़ लिया, उसके बाद हमने भूगोल भी पढ़ लिया था, फिर हमने अर्थव्यवस्था भी पढ़ ली और इन्वायरमेंट भी पढ़ लिया। इसके बाद हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया था, यानी कि इतिहास विषय के प्रश्नों को देखना शुरू किया था। तो इतिहास के प्रश्नों को अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी बचे प्रश्नों को आगे आने वाले पार्ट्स में आपको कवर करवा दिए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, आपको डेली मैं बताती भी हूँ कि आपको करना क्या है। ये पीवाईक्यू बस देखना नहीं है, आपको देखना भी है, साथ ही साथ इसके टॉपिक नोट्स करते जाना है कि किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये युद्ध का दिया गया है, कनौज युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध। अब ये क्रम से लगाने पूछ लिया, अब क्रम से आप तभी लगा पाएंगे जब आपको इन सब के वर्ष याद होंगे। तो आपको जितने भी युद्ध हुए हैं इतिहास के जो प्रसिद्ध हैं, हल्दीघाटी का है, कन्नौज का है, तालीकोटा का है, पानीपत के युद्ध हैं, सारे युद्ध के आपको वर्ष याद कर लेनी है, डेट याद कर लेनी है। पानीपत के युद्ध की तो डेट भी आयोग पूछ चुके हैं, तो ये याद कर लेनी है आपको। एक अपना नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए, इसमें सारे युद्ध लिख लीजिए, सामने वर्ष लिख लीजिए और उस लिस्ट को कम से कम नहीं तो 8 से 10 बार रिवाइज कीजिए डेली। एक दो दिन आप 2 या 3 बार रिवाइज कीजिए, फिर आप एक एक बार भी रिवाइज करेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे विद इन 10 डेज। तो ये काम आपको कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिया गया है, अब ये घटनाक्रम है, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये सही उत्तर हो जाएगा, खानवा का युद्ध हुआ था और उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था और तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हकीम खान सूर। ये महाराणा प्रताप की राजपूत सेना के सेनापति थे, हकीम खान सूर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब ये भी घटनाएं हैं, तो ये संधियां जो होती हैं, संधि विलय, ठीक है, जैसे कि गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत किस किस को कब कब मिलाया गया, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब सबसे पहले किसका विलय हुआ था, पंजाब का, उसके बाद सिक्किम, फिर इसके बाद बर्मा और फिर झांसी। तो ये विलय बताए गए हैं कि किस किस का कब कब विलय किया गया था। अंग्रेजों के समय की बात है तो ब्रिटिश काल में, अब ये लोग, इनकी कई सारी प्रथाएं थी, जमींदारी प्रथा थी, गोद निषेध प्रथा थी, तो अलग अलग तरीके से भारत के क्षेत्रों को इन्होंने अपने साम्राज्य में एकत्रित किया था या फिर विलय किया था। अगला प्रश्न दिया गया है कथन वाला, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे। और दूसरा कथन दिया गया, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो ये दोनों ही कथन सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर विद्रोह और वर्ष दिए गए हैं, तेभागा आंदोलन कब का है, मोपला विद्रोह कब का है? तो तेभागा आंदोलन 1940-47 में हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, पावना किसान विद्रोह, ये विद्रोह 1979-80 में हुआ था, और बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 मतलब 1859-60 में हुआ था। ये विद्रोह अलग अलग इंडिविजुअली, जैसे पावना पूछ चुके हैं, मोपला, ये अलग अलग से भी पूछ चुके हैं, तो इनके वर्ष जरूर याद रख लें। अगला प्रश्न दिया गया है, छत्रपति शिवाजी के संबंधित निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभी शिवाजी से संबंधित घटना है, अब देखिए ये ऐसे प्रश्न अगर आपके पूछ लिए जाए एग्जाम में, इस तरह के प्रश्न, तो आपको सारे वर्ष वाले ही प्रश्न आ गए, तो आपको सबका बहुत अच्छे से वर्ष याद जरूर रखना है। चाकन के किले पर विजय कब, शिवाजी ने कहाँ पर किसको विजय प्राप्त किया, फिर कौन से घटनाक्रम है? तो पहला, सबसे पहले चाकन किले पर इन्होंने विजय की, इसके बाद मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हुआ, इनका मुगलों से मतभेद हुए, इसके बाद फिर इन्होंने अफजल खां का प्रकरण सामने आता है और फिर सूरत पर आक्रमण और लूटना, ये वाली घटना आती है। तो ये कालक्रम के अनुसार ऐसे व्यवस्थित करना है। अगला है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ये 1875 में, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? रजत मतलब जो चांदी की मुद्रा थी, स्वर्ण रजत मुद्राएं चलती थी उस समय में, तो रजत मुद्रा रुपया नहीं थी, लादी टका और रुका, ये रजत मुद्राओं के प्रकार हैं जो शिवाजी के समय चलते थे।
अगला प्रश्न है, यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926 यही वाला नहीं है, बाकी तीनों सम्मिलित हैं। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन, इसकी स्थापना 1918 में हुई। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1908 में हुई थी। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो ये थे राजा शिव प्रसाद इसके संस्थापक। कश्मीर के शासक जैन उल अबादीन का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था शाही खां। अगला प्रश्न है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो एन जी रंगा थे, इनको चुना गया था। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए फिर से ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये यही वाला हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध हुआ था, इसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था, फिर तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर संपादक और लेखक पूछे गए हैं, पत्र पत्रिकाएं दिए गए हैं, उनके संपादक लेखक हैं, सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है। अरविंद घोष वंदे मातरम इनकी पुस्तक थी, एनीवेज इनका न्यू इंडिया था, महात्मा गांधी का यंग इंडिया था, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले का सत्याग्रह नहीं था, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये क्रांतिकारी नेता थे गोपीनाथ साहा। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये सेनापति थे हकीम सूर। रज्जनामा हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद किसने किया? तो अनुवाद कौन सा है, ये महाभारत है। रज्जनामा एक फारसी ग्रंथ है, मतलब महाभारत का फारसी में अनुवाद है, ये चीज़ याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, बताने हैं कौन से सही है। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, ये वाला कथन तो गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया, मदन मोहन मालवीय देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, तो बिल्कुल सही है, इनको भी मिली थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब भारत में अंग्रेजों की सफलता के बारे में और फ्रांसीसियों की असफलता के बारे में कथन है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, तो ये तो बिल्कुल सही दिया गया भाई, बंगाल विजय से अपार धन मिला था, जनशक्ति भी मिली थी। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, तो ये भी सही है, इनकी नौसेना अच्छी थी, दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा, गांधी अरविंद समझौता। तो सबसे पहले यहाँ पर दांडी यात्रा आती है, उसके बाद गांधी अरविंद समझौता हुआ, फिर सांप्रदायिक घोषणा की गई थी, और फिर पूना समझौता, पूना पैक्ट जिसको कहते हैं, ये सामने आता है। तो ये घटनाक्रम इनके भी आपको, ये गांधी युग पूरा आपको पढ़ाया भी जाएगा, उसमें सारे घटनाक्रम आपके एक साथ आ जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर कुछ विद्रोह दिए गए हैं और वर्ष दिए गए हैं, तो ये जितने भी विद्रोह हैं इस पर एक ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, तो उसको जरूर देख लें, विद्रोह के संदर्भ में है, सारे विद्रोह एक साथ वहाँ पर करवाए गए थे, तो उसमें सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था, ये 1879-80 का है। पावना विद्रोह कब हुआ था, ये 1873-76 का है। बंगाल का नील विद्रोह 1959-60 का है, ये देखो पहले भी प्रश्न जो विद्रोह पूछे गए थे उसमें भी ये था, बंगाल का नील विद्रोह, पावना भी था, तो दो तीन बार ये अलग अलग तरीके से रिपीट हुआ है। जयंतिया विद्रोह कब का है, ये 1860-63 का है। मतलब अगर अगले वर्ष प्रश्न पूछा गया या फिर आगामी जो अभी परीक्षा है आपकी उसमें प्रश्न पूछा गया, तो हो सकता है उसमें दो विद्रोह इन्हीं में से पूछ लें और दो विद्रोह किसी पुराने प्रश्न से पूछ लें, तो आपसे बन जाएगा प्रश्न। अगर आपने PYQ पढ़े हैं और यहीं पर इनको याद कर लिया है, तो ये प्रश्न आपका कहीं नहीं गया, आपसे प्रश्न बन जाएगा। ऐसे ही करते हैं, दो या तीन पुराना दे देंगे, एक या कोई नया विद्रोह दे देंगे, तो आपको विद्रोह का टॉपिक भी पढ़ लेना और ये सारे तो याद कर ही लेने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये शासक थे मुबारक खिलजी जी, इन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, कुछ और प्रश्न हैं जिनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 3-3 नंबर दिए गए हैं आपको स्क्रीन पर, किसी पर भी कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, इसमें RO/RO का पूरा कोर्स डला हुआ है, RO/RO की वीडियो क्लासेस हैं, प्लस यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी है, और बायलिंगुअल है दोनों, मतलब आपको अंग्रेजी माध्यम वाले, हिंदी माध्यम वाले सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी PDF वगैरह सारा कुछ यहीं मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लें, 5-स्टार रेटिंग भी दें और जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।